तो जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अलग रहस्ते रहें, बसते रहें, आबाद रहें, शाद रहें। सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज व अमान में रखे। चलो जी, तो मुबारकबाद है आप लोगों को भी। हमारी बेटी देर आई दुरुस्त आई। बहुत अरसा पहले यही स्टैंड लेना चाहिए था सितारा बेटी को। जो लोग अब से नहीं, 2 साल पूरे हो चुके हैं गाली गलौज खाते खाते खाते, ये हाल हो चुका है हमारा। और भाई भाई को कितना अरसा पहले, तकरीबन 1 साल पहले भी मैं कराची में था तो भाई को बहुत गंदी गंदी गाली और भाभी को भी गंदे नाम पुकारना। बहुत लेडीज़ ने ऐसे नाम गलत यूज़ किए। और भी सब ख़ानदान से पहले ही मैं गाली गलोच वालों से अपना यूट्यूब चैनल छोड़ के, इतना व्लॉगर छोड़ के, व्लॉगिंग छोड़ के तो मैं रिएक्शन पर आ गया था मजबूरन। मेरा व्लॉग अच्छे चल रहे थे लेकिन मजबूरन जो है ना, इतना लोगों ने तंग कर दिया था कि भाई मजबूरन मुझे रिएक्शन देना पड़ा दुश्मनों पर। लेकिन वो भी आज सितारा बेटी ने मकसद है कहा भी मेरे लिए स्टैंड ख़ानदान वालों ने नहीं ली थी। कमाल है भाई, बेटा कमाल है। तो पूरी यूट्यूब को पता है भी मैंने स्टैंड सबसे पहले मैंने ली थी। कुछ लोग इसीलिए तो कहते हैं कि भाई सितारा आपको ना इतना वो लिफ्ट नहीं देती, चाहती नहीं है। तो जब आपने कहा ना आज कभी किसी अपनों ने जो है ना मेरे लिए स्टैंड नहीं ली थी, तो सबसे पहले 2 साल से मैं यानी कि यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैंने तो अपना व्लॉगिंग 1 साल की, उसके बाद जो है ना मैं रिएक्शन पर ही जवाब देता आया हूँ। तो उसके बाद डीडी आया जवाब देने लोगों को। सबसे पहले मैं ही जवाब देता रहा हूँ, ठीक है। इस दूध वाले को, ये पार्क विलेज वाला था, इसको किसी को पता नहीं था कि ये दूध वाला है। इसको मैंने एक्सपोज किया। और जो आपके करीबी हमसे हैं जिन पर आपने तेरा सिस्टर ने जाके पुलिस को बुलवाया और भी जेल करवाया, तो उन पर भी मैंने ही रिएक्शन दिए थे। उन लोगों ने कहा था हम कराची आ रहे हैं, आपको छोड़ेंगे नहीं। आपको शायद नहीं पता, सारी दुनिया वाइटी को पता है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर आए जिन्होंने अब्बासी जैसे और एक और भी भाई हैं खाले साहब जो सऊदी अरब में बैठ के बातें किया करते थे उसको, और साजिद साहब के एक भतीजी साहब आई थी। बहुत सारे लोग यानी कि आए हैं, बहुत सारे, थोड़े नहीं हैं। तो आपके हेटर बहुत हैं, सितारा के हेटर बहुत से, जिन्हों को मैंने मुंह तोड़ जवाब दिया क्योंकि सलमा साहब पैसे भर के भी हेटर तैयार किया करती थी। ये उन्हीं का लगाया हुआ हमें पौधा है जो आज तक वही झूम रहा है और वही घूम रहा है, ठीक है। जिसके ने आके ये रोटी फेंकी है ना, उसी को लोग खाकर उसी पर भौंकना शुरू हो गए, ठीक है। सितारा पर ये खाना किसका भेजा हुआ है? सलमा का। सितारा कह, ये तोहफा था ये। बेशक जब तक मैंने पहले भी कहा था भी ये वीडियो जो जितना पुरानी है, जब सऊदी अरब आप गई थी वो सलमा को प्राइवेट करनी चाहिए। और जो झूठे आपके पर इल्ज़ाम थे, सबसे पहले आपकी बहन ने लगाए थे, उसको जो है ना आपके माफ़ी मांगनी चाहिए, असगर को और सलमा को, ठीक है। और अगर मतलब जब तक वो माफ़ी मांग ले आते तो ये बात फैलती ना। नैना ने माफ़ी मांग ली थी, नैना ने माफ़ी मांग ली थी। शाहरुख ने भी जाके कहा था जाते जाते भी, मैंने माफ़ी, मतलब मुझे माफ़ कर दे, मुझे गलती हो गई है। और अब नैना ने भी मान लिया अब मुझसे गलती हो चुकी है, मैं, मुझे माफ़ कर दे। यूट्यूब फैमिली भी कर दे, सितारा भी कर दे, बहुत अच्छी बात है। नैना ने माफ़ी मांग ली थी, ये सबको पता है। लेकिन शाहरुख ने बाद में कहा भी नहीं मुझे किसी के कहने पर, ये वो यानी कि
उसको कोई गुस्सा था लेकिन वो माफ़ी मांग चुका था वो भी, लेकिन आधी अधूरी मांगी। लेकिन नैना ने साफ सुथरी माफ़ी मांगी थी सबसे, यूट्यूब फैमिली से और सबसे, ये भी एतराफ कर लिया था मुझसे गलती हो गई थी। लेकिन उसके बाद फिर वो ही मतलब है, फिर अपनी मर्जी पर हर बंदा चलता रहा एक अलग बात है, लेकिन उसने एक दफ़ा माफ़ी मांगी थी। तो सलमा को भी माफ़ी मांगनी चाहिए थी, नहीं तो उस पर भी केस हो करें सितारा बेटी, उस पर केस करें ना, जिसने ये पौधा लगाया गाली गलोच वाला अब तक दे रहे हैं। मेरे मरे हुए भाई का क्या कसूर है? आपको गुस्सा लगता है ना, आपका बाप है, मेरा भी खून है, मैं उस यासीन का भाई नहीं हूँ, मेरा खून है, मुझे गुस्सा नहीं लगता। मैंने उसी गुस्से में भाभी और आपके बच्चों को जो टारगेट करते थे, आपको करते थे, तो उसी के लिए मैंने रिएक्शन बनाया, अपना रिएक्शन में बढ़ाऊँ, और लोगों ने मुझे बहुत सारा टारगेट किया, बहुत गाली गलोच खाई, सब कुछ खाया, बुरा भला कहा सब कुछ। लेकिन आज मुझे बहुत अफसोस लगा है कि जब आपने कहा कि हम मेरे ख़ानदान में से किसी ने स्टैंड ले लिया, कोई पिलर नहीं बना, आज दिल को बहुत अफसोस लगा है। सबसे पिलर तुम्हारे ख़ानदान वाले थे, ठीक है, लेकिन आप नाम अलग नहीं कर रही, एक चीज़ को अलग करें, आपके ये बुरा कौन है खानदान में से और अच्छा कौन है, ये आपको बताना चाहिए। बहन है, भाई है, भाभी है, कोई आपके भांजी है, कोई भी है आपका, हाँ नजमा के दो भाई, वो क्यों नहीं बोलते? सल्लू साहब ने क्या जवाब दिया? सल्लू वालों से मेरा क्या झगड़ा था? अब नहीं बोल चाल, असगर से क्या झगड़ा था? आपका ही झगड़ा था, उसी का उसको मैंने जवाब दिए, ठीक है, आपके लिए मैंने जवाब दिए, आपके अपना वो भी अपने, मैं भी अपना, ठीक है ना, वो तो आपके कहता, लेकिन मैं उन्हें जवाब देता रहा हूँ, और आज भी कह रहा हूँ वो सुनते रहे वीडियो, मैं डरता किसी के बाप से नहीं हूँ, मेरे भाई के बेटे थे लेकिन गलत थे, मैंने उसको मुँह तोड़ जवाब दिया था, ठीक है, मेरा उनका कोई झगड़ा नहीं था। आपके लिए मैंने स्टैंड ली थी, भैया गलत बोल रहे हैं, एक बच्ची को गलत बोल रहे हैं, तो उसके लिए मैंने स्टैंड ली थी। आप वाजे करें ना, अभी ये मेरे दुश्मन है, रिश्तेदार अपनों में से, और ये गया मतलब इन लोगों ने मेरे साथ अच्छाई की, इसने बुरे की। आज तक जितना भी वीडियो था आपने बनाई, मेरा नाम आपने नहीं लिया कि उसमें से मेरा चाचा भी मेरा साथ देता रहे, वजह क्या है भाई? वाह, ये तो बहुत बुरी बात है, आज मेरे दिल को एक ना हार्ड किया, बहुत हार्ड किया, जितना मैंने गाली गलोच खाई है, जितना मैंने आपके लिए स्टैंड लिया है, मैंने कोई आप पर एहसान नहीं किया, ये भी आप समझ लें, मैंने मेरा चैनल था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल था, इसलिए मैं जवाब देता रहा हूँ। और एक लेडीज़ जो बरून मुल्क बैठी है, कोई बंदा आपका सपोर्टर, उसको कोई जवाब नहीं दे रहा, मैं ये वहद बंदा हूँ, उसको जवाब देता हूँ, आज तक भी देता हूँ और देता रहूँगा। वो ये ना समझे मैं बरून मुल्क बैठी हूँ, मुझे जवाब कोई नहीं देता, जैसे आपको हेट करती है मैं वैसे ही उसको हेट करता हूं, किसी की जरूरत नहीं है उसको हेट करे, उसका नाम भी कोई नहीं लेता डर से, डरना अल्लाह से होता है, ठीक है बेटी, अल्लाह से डरना है। वो ऐसे नहीं कहे बरूने मुल्क बैठी पता नहीं हमारे लिए क्या करे क्या, वो मुसलमान होके जो है ना, हमें बहुत गंदी गाली आपके अब्बू को, आपको, आपकी वालदा को, सबको देती है, आपके बच्चों को, छोटे छोटों को, आप क्या कर रही हैं? एक व्लॉगिंग कर रही हैं, एक अच्छी यूट्यूबर है, यूट्यूब फैमिली, अच्छा खाना दिखा रही है आपको, ठीक है, अच्छी वो मतलब उसका क्या गुनाह क्या है? छोटे होते हुए उस पर सौकन आ गई, सितारा पर सौकन आ गई, वो उसने बर्दाश्त किया, गुर्बत आई बर्दाश्त किया, एक अच्छी पार्लर है, एक अच्छे खाने बनाने वाली, एक अच्छे माँ बाप की बेटी है, एक अच्छी बीवी है, उसने सब कुछ अच्छा बन के दिखाया और रिश्तेदारों के साथ भी मोहब्बत की, लेकिन फिर बेवफाई लोगों ने जो की तो क्या हुआ? मैं अपने लिए एक बोल रहा हूँ कि आपने वाजे नहीं किया कि मेरे अपने भी कुछ थे, कुछ दुश्मन थे, कुछ दोस्त थे, आपने तो सबको लेमा मेट कर दिया, भी मेरा कोई भी नहीं था अपना, बहुत दिल को हार्ट हुआ, बहुत दिल को हार्ट हुआ, बहुत दिल को दुख लगा भाई,
जिस रिश्तेदारों ने आपके लिए खिदमत की, रात को जागे, सब कुछ किया, आपने उसको तबाह बर्बाद कर दिया, तुम जो बोला कुछ भी नहीं किया, गैरों ने सब कुछ किया, अल्हम्दुलिल्लाह गैरों ने भी साथ दिया, उनका बहुत शुक्रिया जिन्होंने साथ दिया, वो भी हमारे आंखों के सामने इस दिमाग में, जिन्होंने सच्चे दिल से आपका साथ दिया वो भी हमें पता है। साजिद साहब के एक लोग आया, उसने कहा भी कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होगी, जो अच्छा है मुझे पता है, जो बुरा है पता है, ठीक है। तो बुरे टाइम पर जब जब साजिद ने मुझे कॉल की और बोला भी मतलब फलां काम है, फलां काम है, फलां बंदा है, फलां को काम है, तो सब ने हमने मिलके किया, ठीक है। तो आज आप ना साजिद ने नाम लिया ना आपने नाम लिया, तो ये आपको वाजे करना चाहिए। तारा से मेरा आज जवाब है, तारा के लिए बना रहा हूँ कि भाई तारा को वाजे कहना चाहिए, ये मेरा रिश्तेदार जो है ना मुनाफिक है, वाजे कहना है आपने, और ये मेरा रिश्तेदार मेरे साथ हक और सच के साथ खड़ा रहा है। हमें कोई ईदी नहीं चाहिए, कोई लिफाफा नहीं चाहिए, ना ही कभी मेरी YouTube फैमिली, ना हमें कोई तारा से मतलब कोई लिफाफा या कोई ईदी कोई वसूल नहीं हुई, ना ही मुझे चाहिए, ठीक है। मैं गरीब हूँ, कुछ भी हूँ, अपने दम पर हूँ, लेकिन यासीन का भाई हूँ, ठीक है। मैं उसी खून से हूँ जो गैरतमंद खून है, ठीक है, गैर से नहीं हूँ। तो मैं इसलिए गज बज के कह रहा हूँ कि मैं किसी का काणा वाणा नहीं हूँ, ठीक है। और मैंने अपनी मर्ज़ी से, अपनी गैरत से ये लोगों को जवाब देता रहा हूँ और देता हूँ और देता रहूँगा जब तक ज़िंदा हूँ। मैंने अपनों को भी जवाब दिए, जब मेरे अपने गलत होते ना, मतलब नजमा गलत हुई, फ़ारूक गलत हुआ, डीडी कभी मतलब गलत हुआ, अगर वो बाबर गलत है, कोई भी है भाई, शाबाश गलत हो, मैं सबको बोलता हूँ, ये ऐसी बात नहीं है, ये सबको पता, मैं सबको जवाब देता हूँ और सुनता भी हूँ, फिर मुझे भी सुननी पड़ती है, जब मैं गलत होता हूँ वो भी मुझे बोलते। तो मैंने अपनों को भी जवाब दिए, गैरों को भी दिए, ठीक है। क्या है, हक और सच बोलना चाहिए, मरना है इस मुंह पर मिट्टी आनी है, कोई किसी ने साथ नहीं देना, साथ नहीं जाना, अगले जहान में किसी ने साथ नहीं होना, अकेला होगा इंसान। दिल को इसलिए बुरा लगा, जो आपके साथ अपने अच्छे थे आपको बोलना चाहिए था, ये मेरे साथ अच्छे हैं, आपने सबको कह दिया, अभी मेरे जो अपने थे उन्होंने मुझे घराया और गैरों ने आके उठाया, ये आपने जैसे बोला मेरे दिल को बहुत हार्ट लगा, बहुत दिल को हार्ट लगा। मेरी वीडियोस चली, जितना भी चली, मुझे वीडियोस चलने का अरमान नहीं है, अफसोस नहीं है भी मेरी वीडियो कम चले ज़्यादा चले, लेकिन दुश्मनों को जवाब आप तक मैं देता रहा हूँ और देता हूँ, और किन्हीं लोगों पर मैंने दरख्वास्त दी है, किन्हीं पर लोगों का पर्चा है, ठीक है, उनके घर जाके बोला है मैंने, 2 साल पहले उनके घर भी गया था मैं, ठीक है। ये जो शाह साहब थे इनके घर में गया था, ने बोला शाह साहब वो अपने लिए, आज भी सुन लो मेरी वीडियो, अपने लिए हो, अगर मेरे जैसे झूठ और फ्रॉड कर अगर ऐसे किया तो फिर आप शाह साहब और हमारा सामना होगा, हमारा निकलो घर के बाहर, हम घर गए थे उसके कि निकलो बाहर, गलत तुम नित्य लगाने वाले, तुम बड़े अपने आप को समझने लगे, बाहर निकलो, मैं इसके घर गया था, ठीक है। क्या है, किसी से नहीं डरना चाहिए अल्लाह की जात के सिवा, वो किसी के कहने पर, वो किसी के कहने पर गलत वीडियो बना रहा था सारा बेटी पर, जब मैं उसके घर गया, उसके बाप को बाहर बुलाया, मैंने बोला देखो आपका बेटा जो गलत कर रहा है, कोई बात है तो सामने लाओ। उसने कहा भाई कोई बात नहीं, आप कोई लोग इसे जो है ना रिश्ते दे रहे हैं और बातें बता रहे, भी ऐसे करो ऐसा करो, ऐसे इसको हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये पागल उसी के कहने पर लगा हुआ और बात कोई नहीं। तो वो सैयद जात थी, जब उसने अबू ने कहा, उसके भाई ने, उसके चाचा साहब सब ने, हम बैठे इकट्ठ हुआ, तो वहाँ पर वो झूठे हुए सब कुछ, उसने कहा भी आज से आगे कोई ऐसी बात नहीं होगी। तो हेटरों ने तो बहुत चाह, उसको हीरो बनाना चाह, भी जल्दी आओ, कोई बात है तो बताओ, फलां करो ये करो, लेकिन जब बात क्लियर हो गई तो वो शाह साहब ने भी पीछे हट गए, इजाज़ शाह, ठीक है। कोई क्या नहीं किया था, गारंटी से कहता हूँ, पहले मैं और मेरा भाई और दिलबर आए थे उनके घर में कट करके,
भाई अकबर मेरे साथ कराची से आया था, आप लोगों ने देखा होगा, वाइन पर हम आए थे और भी उन्हें मुंह तोड़ उन्हें जवाब दिया था। हमने बोला हम करीबी हमसाए हैं, आज हमारी अगर मतलब खाम खा के आप किसी के कहने पर बुराई करोगे तो आप भी दूर नहीं, हम आपसे डबल बुराई करेंगे आपकी। और आज तक भी वही बात है, कोई भी बुराई तारा बेटी की करेगा मैं उसे नहीं करने दूंगा, मर्द दम तक मैं उसकी, वो जैसे बुरा कहेगा हमें वैसे बुरा कहेंगे। मेरे भाई को जो जिसने कुत्ता कहा वो खुद ही कुत्ता होगा, मेरे भाई को और मेरी भाभी को जिसने गलत यूज़ किया है गलत लफ्ज़ों से वही खुद ऐसा होगा, उनकी गलत तरबियत होगी, उनका माँ बाप गलत होगा। जो मेरी बेटी को गलत बोलेगा उनके बच्चों को गलत बोलेगा, उनकी तरबियत गलीज़ होगी और गलीज़ लोग हैं वो। हम शरीफ लोग हैं, हमें शराफत में रहने दीजिए, वो अच्छा एक व्लॉग बना रही है, अच्छी आपको लोगों को कमाई कर रहे हैं। अरे सब उसने कहा भी मैं सबकी रोटी रोजी नहीं बंद करना चाहती, जो मेरे पर बात जायज़े करें, मेरी मेरे फैमिली पर ना जाएं, मेरे माँ बाप को कुत्ते कुत्ता ना कहा जाए। लानत है भाई ऐसे कहने वालों को, जो किसी के माँ बाप को मेरे मरे हुए भाई को ऐसे कह रहे हो, लानत है उन लोगों पर जो ऐसे कह रहे हैं। और मेरी यूट्यूब फैमिली बिजली नहीं है तो भाई पसीना देख रहे हैं और गुस्सा भी बहुत है, ब्लड प्रेशर मेरा बहुत हाई है आज, ठीक है। तो कल ईद उल मिलाद नबी था मेरी मस्जिद में, मैंने मतलब वहाँ सारा दिन रहा हूँ, वो आप लोगों को दिखाया, ठीक है। इसमें कल से बात कोई मैंने की नहीं यूट्यूब पर, तो बहुत सारी मैंने बातें सुनी। अब तो सब जो है ना, सारा बेटी ने कहा भी मैंने जब से डिसाउंट किया था सबको, आमना रिएक्शन की वजह से मतलब उन्हें कोई कॉल आई, उसने बताया एक्सपोज किया अभी आपके लिए मुल्तानी ऐसा कर रही है, उसके बाद मैंने तफसील किया, फिर मरियम से बात की तो मैंने सबको हटा दिया था। तो उसके बाद जब तारा बेटी आपने हटाया था तो ये लोग भी कहते थे अभी मैम कोई सपोर्टर नहीं है, नौशीन ने भी कह दिया था अभी हम कोई सपोर्टर नहीं है इस तारा के, मरियम ने भी कह दिया था कि हम कोई सपोर्टर नहीं है इस तारा के, ठीक है। उसके बाद जो है ना आजकल ये फिर जो है ना आपस में गाली गलौज ये वो और वॉइसें लीक ये वो, फिर अपने वीडियो चलाने के लिए हर बंदा फिर सच्चा बनने के लिए आ जाता है, लेकिन इन लोगों ने सब ने जवाब दे दिया था उस टाइम भी हम नहीं हैं सपोर्टर। हर बंदा अपनी अपनी वीडियो बना रहा है अपने जैसे, उसके हर किसी की अपना देखने वाले भी बन गए, मोहब्बतें करने वाले हर किसी के बन गए। तो जैसे आप लोगों ने उसने जवाब दे दिया था, ये तो आपस की लड़ाई पड़ी है और बाद में भांडे फूटे और सब सामने आ गए, तो बिल्कुल सपोर्टर हैं इनका बहुत शुक्रिया, जो सपोर्टर हैं तारा बेटी के सच्चे दिल से मैं आज भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो मुंह में कुछ दिल में कुछ है तो बस उनसे अल्लाह ही पूछे, अल्लाह उन्हें तबाह और बर्बाद करेगा, क्योंकि जो हमारी फैमिली को बर्बाद कर रहा है रोटी रोजी से परेशान और तंग कर रहा है, अल्लाह ताला उन्हें तबाह और बर्बाद करेगा। और भाई जो हमारी फैमिली को अच्छा समझते अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, अपने हिफ्ज अमान में रखे। और ये सब पौधा दिया हुआ हमारे अपनों का है, यानी कि सलमा असगर का ये तोहफा दिया हुआ उनका है, जो आज तक हम दबे हुए हैं गाली गलौज खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद चुप हो गई है, उन्होंने वहाँ से चुप कर, लेकिन उनको एक वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए कि हम गलत थे, माफ़ी मांगना चाहते हैं आवाम से, तो फिर ये कोई भी गलत बात नहीं करेगा। और तहरा शेटर का बहुत शुक्रिया जो उन्होंने वाजे आज कर दिया अभी तारा बेटी ने कि मेरा बहुत साथ दिया उन्होंने, तो पहले से सबको पता था भी अगर उन पर हेटर वगैरह बातें नहीं जाके करते तो आज ये सब रोकने वाली तहरा सिस्टर ही है, ये जो गाली गलोच दे रहे थे बकवास याद कर रहे थे तारा बेटी पर, जब से फिर अलग हुए हैं तारा बेटी वो कुछ दिनों से वो चैनल पर नहीं है तो लोगों ने समझ लिया शायद तहरा सिस्टर तारा से दूर हो गई है, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन बस जब से वो उम्रे पर गई हैं तब से लोगों को कुछ मौका मिला है बिस्तारा बेटी से दूर करें, लेकिन वो दूर नहीं, अल्लाह ताला उसने खुश रखे, वो बहुत साथ दिया तारा बेटी का उसने, अल्लाह ताला उसे खुश रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जो दिल से
नाराज़ कोई ना हो, जो दिल से सारा बेडी के साथ है मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, लेकिन मेरा थोड़ा सा दिल दुखा है भाई, जब भी रिएक्शन देती है तो अपनों पर ही देती है, पहले पहले सारा बेडी, और वाजे नहीं करती। हम यानी 2 साल से, तो ऐसे तो मालूम होता है भी हम भी यासिन के भी सगे नहीं हैं, उनके भी भाई नहीं है, शायद खून नहीं है। दिल को बहुत हार्ड हुआ, खैर कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, हमारी बेटी है फिर भी, हमारा फ़ख्र है। तो दिल को थोड़ा सा ना चोट ज़रूर लगी है, चोट लगे दिल को तो दर्द जो होता है, फिर भी भाई। और बाबर आज बहुत खुश था जी, कहता है जिन लोगों ने मतलब वॉइस से लीक और ये वो कर रहे थे, नहीं को तो कह रहे हैं हम आपके लिए और आपकी अम्मी के लिए और सबके लिए हम दुआएं मांग रहे थे, तो यही दुआएं थी आपकी गाली गलोच वाली कि किसी के माँ बाप को कुत्ते कुत्ता कहना, शायद आपकी यही तरबियत होगी आपका माँ बाप। अब अगर वही सितारा आपको कहे कि आपकी माँ कुत्ती और कुत्ता है, आपकी बेटी ऐसी, आपका बेटा ऐसा, अपने बच्चों का डीएनए कराओ, जो सितारा बेटी को कह रहे थे बच्चों का डीएनए कराओ, अगर आपको आके कह दे सितारा कि अपने बच्चों का डीएनए लाओ, आप हलाल कहें या हराम कहें, तो फिर क्या होगा? आपको कुत्ती कुत्ता कह दे आपके माँ बाप को, फिर क्या होगा? दिल को हार्ड होगी ना, तो ऐसे उसको भी होती है जिसके माँ बाप जिसके बच्चों को आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई सितारा का हक है कि जो उसे कुछ अरसा पहले डीएनए मांग रहे थे, सितारा बेटी को भी कहना चाहिए भी आप अपने माँ बाप और अपना डीएनए लाएं, भी आप किस तरबियत के हैं, जो आपको हैड करे सितारा बेटी आपको कहने का हक है। ये स्टैंड अभी लिया है सब, ये सबसे पहले लेना चाहिए था। खैर देर आए दुरुस्त आए, दुश्मन के मुंह पर जूता मारा, बहुत अच्छा है किया। तो अगर मेरी बातें और ये वो सबको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिए, हो सके तो चाचा की वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके आप लोगों ले, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दिल बहुत हार्ड है आज, ब्लड प्रेशर भी हाई हो चुका है और शुगर तो वैसे ही ऊपर है। खैर जी, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और सबके बच्चों को, और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलेंगे कल के व्लॉग में कुछ अच्छा रिएक्शन लेके आप लोगों के लिए।